पहले इसके पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसका यूज देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा यूज होता है, ठीक है। अगर पूरा डिलीट करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, ठीक है। अब खुद से करो, तो आज के कंप्यूटर क्लास में हम ये वाला जो टॉपिक था ये हम पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे, मतलब पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, तो यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए दो पोर्ट होते हैं, दो पोर्ट। पहला कौन सा होता है? एक यूएसबी पोर्ट होता है, एक PS2 पोर्ट होता है, ठीक है। यूएसबी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। और PS2 का फुल फॉर्म? हार्ड टू। और ये दोनों पोर्ट कंप्यूटर के किस पार्ट में पाए जाते हैं? CPU में, ठीक है। CPU में कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक USB पोर्ट होता है, एक PS2 पोर्ट होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ लिखा गया है, एक है हार्ड कॉपी, एक है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है? जिसे आप चेंज और एडिट नहीं कर सकते, जिसे एडिट और चेंज नहीं कर सकते, जिसे कोई प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई करेक्शन आ जाता है उसको एडिट कर सकते हैं? नहीं। उसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो सॉफ्ट कॉपी, अगर कंप्यूटर के अंदर वो रहता है तो हम उसे एडिट और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब वो कंप्यूटर के बाहर प्रिंट करके आ जाता है तो वो होता है हमारा हार्ड कॉपी, जब कंप्यूटर के अंदर रहता है तो वो होता है सॉफ्ट कॉपी। समझ में आ गया? हार्ड कॉपी में हम कोई भी एडिट और चेंज नहीं कर सकते और सॉफ्ट कॉपी में एडिट और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस दो तरीके से होते हैं, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सेकंड होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हार्ड कॉपी में कौन कौन से आते हैं? प्रिंटर आते हैं और प्लॉटर आते हैं। और सॉफ्ट कॉपी में कौन से आते हैं? मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ठीक है। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट कॉपी होते हैं और ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी अलग होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस अलग होता है, ठीक है। तो जो पहला हमारा आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर को हम लोग दो बेसिस पे देख सकते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। कलर के अकॉर्डिंग मॉनिटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मॉनिटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कलर के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में हम देख सकते हैं? मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलरफुल। मोनोक्रोम कौन सा शेड देता है? ब्लैक एंड व्हाइट। मोनोक्रोम मॉनिटर कैसे होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देते हैं, वो क्या होते हैं? मोनोक्रोम। फिर आता है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल ग्रे शेड देते हैं। जो मॉनिटर ग्रे स्केल ग्रे शेड देते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रे स्केल मॉनिटर होते हैं, ठीक है। कलरफुल मॉनिटर में कौन से कलर आते हैं? RGB कलर, ठीक है। जो कंप्यूटर जो मॉनिटर RGB कलर RGB इफेक्ट देता है उसे क्या कहते हैं? कलरफुल मॉनिटर कहते हैं। RGB मतलब, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है CRT मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। सेकंड होता है TFT मॉनिटर, फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थर्ड होता है LCD और LED। ये दोनों एक ही तरीके होते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, क्या? कुछ ज़्यादा थोड़ा पतला होता है, कुछ थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। बस इसमें इतना डिफरेंस है। और ये LCD LED हम लोग यूज़ करते हैं घर पर भी, जो एज अ स्मार्ट TV यूज़ करते हैं वो होता है LCD, ठीक है। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब प्रिंटर पढ़ते हैं। प्रिंटर कई टाइप्स के प्रिंटर देखे जाते हैं, मेजरली हम लोग ये दो प्रिंटर यूज करते हैं। कौन कौन से? इंकजेट और लेजर। इंकजेट क्या कौन सा इफेक्ट देता है? कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों इफेक्ट कौन देता है? इंकजेट प्रिंटर देता है। और लेजर कौन सा देता है? ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स, ठीक है। जीरोक्स वाला जो इफेक्ट देता है वो होता है लेजर प्रिंटर। अब देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, लेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, बैंड प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर ड्रम की जैसा होता है, उस पर अल्फाबेट जो होते हैं आपके उभरे हुए होते हैं। जब आपका पेपर प्रिंटर में जाता है और प्रेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर निकलता है उसे कहते हैं ड्रम प्रिंटर, ठीक है। चैन प्रिंटर चैन के ऊपर जो अल्फाबेट आपके वो लगे होते हैं उससे प्रिंट होता है। बैंड इसमें लगा होता है, बैंड के ऊपर अल्फाबेट लगे होते हैं, ठीक है। डेजी व्हील एक फ्लावर का नाम है, डेजी उसके मतलब इसके शेप के जैसा है इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा गया है,
ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, जो डॉट डॉट इफेक्ट देते हैं डॉट डॉट करके वो प्रिंट करते हैं, वो कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो हमें डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो बाहर की तरफ प्रोवाइड करता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो डाटा को इंस्ट्रक्शन को अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। डाटा को बाहर जो देता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो प्रोजेक्टर डाटा को बाहर देगा, जैसे ये प्रोजेक्टर है, इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। देखो प्रोजेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, तीन। पहला होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, दूसरा होता है मूवी प्रोजेक्टर और वीडियो प्रोजेक्टर, ठीक है। जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो होता है वीडियो प्रोजेक्टर। कौन सा, वीडियो प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर जो है वो पहले यूज होता था मूवीज वगैरह चलाने के लिए, वाइट कर्टन पे चला दिया जाता था मूवी, वो चलता था, ठीक है, वो कौन सा प्रोजेक्टर था, मूवी। और स्लाइड प्रोजेक्टर, अभी पिक्चर दिखा देंगे, स्लाइड में कैसे होते हैं, छोटे छोटे स्लाइड होते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन रेडी होता है, ठीक है, उसमें सामने ऐसे रखते हैं तो वो बाहर की तरफ फोकस करता है, वो होते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। समझ में आ गया, स्लाइड प्रोजेक्टर, छोटे छोटे स्लाइड में प्रेजेंटेशन तैयार होता है, उसको दिखाया जाता है किसमें, स्लाइड प्रोजेक्टर में, ठीक है। मूवी, मूवी जो पहले यूज होता था, ठीक है, मूवी देखने के लिए जो वाइट पर्दे पर यूज होता था उसे कहते थे मूवी प्रोजेक्टर, और आज के टाइम में जो यूज होता है वो है वीडियो प्रोजेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जो होता है हमें इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ प्रोवाइड करता है। आवाज़ जो होती है, कुछ भी सॉन्ग वगैरह म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो वो बाहर की तरफ हमें सुनाता है ना, बाहर की तरफ आवाज़ आती है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ये हमारा कौन सा प्रोजेक्टर है, ये वीडियो प्रोजेक्टर, ये कौन सा है, वीडियो प्रोजेक्टर, और ये है मूवी प्रोजेक्टर, और ये कौन सा है, स्लाइड प्रोजेक्टर। इसमें देखो ये छोटे छोटे स्लाइड है, इसको इसी में लगाते हैं और ये बाहर की तरफ फोकस करता है तो हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये स्लाइड प्रोजेक्टर है, मूवी प्रोजेक्टर है और वीडियो प्रोजेक्टर है। फिर आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने में हेल्प करते हैं वो होते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है, और कौन सा एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है, माउस। माउस को और क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड जो होता है एक बेसिक इनपुट डिवाइस होता है। देयर आर ऑलमोस्ट 105 कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में 105-106 इतनी की होती हैं। कीबोर्ड्स में की जो होता है कई पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये होता है अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है, जिसमें नंबर भी आते हैं और अल्फ़ाबेट भी आते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। जैसे ऊपर नंबर है आपका, यहाँ अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है, ये होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक की। और स्पेशल सिंबल होते हैं, स्पेशल की होती है ये, ठीक है, स्पेशल की होती है कैप्स लॉक, एस्केप, बैकस्पेस, ठीक है। मॉडिफायर की कौन सी होती है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, जो सिंगल यूज नहीं होता है, किसी एक दूसरे की के साथ यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। जैसे शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस F4, ठीक है। तो ये मॉडिफायर की एक मतलब दूसरे के साथ यूज होता है, सिंगल नहीं यूज होता, ठीक है। फंक्शन की कौन सी होती है, F1 से F12 तक जितनी भी की होती है फंक्शन की होती है। कहाँ पाई जाती है, ऊपर, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की होती है F1 से F12 तक, ठीक है। फिर ये क्या है, ये माउस, ठीक है, माउस क्या कहते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। और ये माउस में जो इसका पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो होता है इसको कहते हैं कर्सर, क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है। माउस के मेनली कितने पार्ट होते हैं, थ्री, कौन कौन से, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल। स्क्रॉल का काम क्या होता है, अप डाउन करने के लिए, पेज को अप डाउन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, स्क्रॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल कहाँ यूज होता था, लैपटॉप में, किस लिए, एज अ माउस, एज अ माउस कहाँ यूज होता था, लैपटॉप में, ठीक है। ये पहले लैपटॉप यूज होता था, इसके बदले यहाँ पे क्या आया है, टच पैड, क्या आया है, टच पैड, जो आप आजकल आप लोग यूज करते हो लैपटॉप में, ठीक है, वो क्या है, वो टच पैड है। उसके जगह पहले ये यूज होता था, क्या, ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस था, ये भी माउस की तरह काम करता था, इसमें भी तीन बटन होते थे, पहला होता था लेफ्ट राइट और ये भी स्क्रॉल, ये जो बॉल की जैसे बना है ये क्या होता था, स्क्रॉल,
पेज को अप डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए ये यूज होता था, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा स्कैनर है? हाँ, हैंड हेल्ड, जो हाथ से स्कैन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड। और ये यहाँ पे दो तरीके से कोड है, एक ये है एक ये है, कौन कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये है बार कोड, और ये QR कोड। QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। देखो बार कोड रीडर क्या होता है, जो किसी भी ये बार कोड को स्कैन करने का काम करता है, रीड करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? BCR, बार कोड रीडर। जो बार कोड को स्कैन करने का काम करता है, रीड करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? बार कोड रीडर, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बार कोड वगैरह QR कोड कहाँ पे पाया जाता है? ये किसी प्रोडक्ट के पैकेट पे पाया जाता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के पैकेट पे ये होता है ना, बार कोड होता है, QR कोड होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप स्कैन करके इसकी ओरिजिनलिटी वगैरह देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन, ठीक है। ये है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर जो होता है हमें टेक्स्ट और इमेज को स्कैन करने का काम करता है। क्या करता है? टेक्स्ट इमेज को स्कैन करने का काम करता है। स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। पहला कौन सा होता है? दूसरा हैंड हेल्ड। ये कौन सा है? ये जो हाथ में लेकर स्कैन करते हुए बताए थे ना, वो होता है हैंड हेल्ड। और जो यहाँ पर रख कर स्कैन करते हैं उसे कहते हैं फ्लैट बेड, ठीक है। ये क्या है? लाइट पेन किस लिए यूज होता है? किसी भी नॉर्मल स्क्रीन को टच स्क्रीन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है? OMR, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है? OMR शीट को रीड करता है। किसको? OMR शीट को रीड करने का काम करता है OMR रीडर, ठीक है। ये क्या करता है, जहां जहां पे पेन और पेंसिल की मार्क रहता है, जहां जहां पर पेन पेंसिल का मार्क रहता है उसे रीड करता है, उसके बाद कैलकुलेट करके बताता है कि कितना आंसर सही है कितना आंसर गलत है, ठीक है। वो करता है OMR शीट को चेक करने के लिए, क्या करने के लिए? चेक करने के लिए इसका यूज होता है। MICR कहाँ यूज होता है? बैंक में, ठीक है। जो आपके चेक के ऊपर ये नंबर्स लिखे होते हैं ना, ये किस इंक से लिखे होते हैं? मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, जिसे रीड करने का काम कौन करता है? MICR कौन करता है? MICR, ठीक है। और ये क्या है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, सबको पता है ना, क्योंकि हम जो भी यूज करते हैं, जो भी काम करते हैं, टच करके इनपुट अंदर जाता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो काम स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है? ये हमारे इलेक्ट्रिक पल्स को, ठीक है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक पल्स जो होते रहते हैं हमेशा, ठीक है, एनर्जेट होते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? सेंस करता है। कौन? ये टच स्क्रीन हमारे इलेक्ट्रिक पल्स को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। टच पैड ये कहाँ यूज होता है? लैपटॉप में, ठीक है। टच पैड जो होता है लैपटॉप में यूज होता है, ये एज अ माउस काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है? टच एरिया। टच एरिया यहाँ से हम को अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं, ठीक है। कर्सर क्या होता है? जो माउस का पॉइंटर होता है ऐसे, ठीक है, उसको यहाँ से मूव करा सकते हैं। और ये दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और राइट बटन, ठीक है। एज अ माउस ये कहाँ यूज होता है? लैपटॉप में। आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर में टू टाइप्स की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है? जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। जो कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किस लिए करते हैं? किसी लार्ज डाटा को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले इसके पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसका यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और टेम्प्ररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल, मेन और टेम्प्ररी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। टेम्प्ररी की कहा जाता है, और इसको बताओ टेम्प्ररी की कहा जाता है?
इसमें डाटा कभी भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, इसलिए टेम्प्ररी मेमोरी है। और इसमें डाटा हमेशा सेव रहता है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और जो हमारा रैम और रोम है, ये कहाँ पाया जाता है? मदरबोर्ड के अंदर पाया जाता है। रैम और रोम हमारे मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है रैम, ठीक है, एक होता है रोम, ठीक है। रैम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तीन। पहला होता है एस रैम, क्या? एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं? डी रैम। फिर आता है एस डी रैम, इसका फुल फॉर्म साइंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर रीड ओनली मेमोरी आता है। रीड ओनली मेमोरी को क्या कहते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ठीक है, और ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये पार्ट देख लिए कितने होते हैं, रैम के कितने पार्ट होते हैं, रोम के कितने पार्ट होते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, हेल्पिंग मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। लार्ज डाटा रख रहे हैं, ठीक है, और परमानेंटली रख रहे हैं, तो कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की एक खास बात है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। जैसे पेन ड्राइव में आप कोई भी डाटा स्टोर करके रखते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन सीपीयू को आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, वो आपके सिस्टम में ही लगा होता है। तो पहली जो होती है हमारी सेकेंडरी डिवाइस, वो होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे कहते हैं डीवीडी, ठीक है। सीडी डीवीडी एक जैसा होता है, इसमें साइज, ये साइज में छोटा होता है और ये साइज में बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। फिर यह आता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो आप लोग चिप यूज़ करते हैं मोबाइल में लगाने के लिए, ठीक है, वो कई टाइप्स की होती हैं, 6 GB होती हैं, 16 होती है, 32 होती हैं, ठीक है, 64, वो सारी। और ये क्या है? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अभी पिक्चर दिखाएंगे तब समझ में आ जाएगा कौन कौन सा है। देखो हार्ड डिस्क कैसा होता है, ये है, ये क्या है? ये आपका हार्ड डिस्क है। और ये क्या है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है, क्यों? हाँ, इसमें बहुत कम अमाउंट में आप डाटा स्टोर करके रख सकते, कितना स्टोर कर सकते थे? 1.44 MB, सिर्फ इतना ही स्टोर करके रख सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं स्टोर करते थे, ठीक है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ अब नहीं करते हैं। ये क्या है? सीडी, ये डीवीडी, ये पेन ड्राइव जो आप यूज़ करते हैं, और ये आपका मेमोरी कार्ड जिसे आप चिप कहते हैं, ठीक है। ये सारी कौन से डिवाइसेज हैं? ये सेकेंडरी डिवाइस है, इसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लेते हैं, पहले जो लिखना है उसको लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, माउस से सेलेक्ट करते हैं। माउस के किस बटन से सेलेक्ट करेंगे? लेफ्ट से, ठीक है। अब देखो इसको सेंटर में रखें, क्योंकि हेडिंग तो सेंटर में होती है, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस ई, सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, जितना बड़ा रखना है उतना रख लो। उसके बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ से क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं जो पसंद हो, ठीक है, जैसे ये लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट की साइज जो हम अभी कीबोर्ड से कर रहे थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी वही होता है, इंक्रीज यहाँ से होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है फॉन्ट की साइज, ठीक है। यहाँ से बोल्ड कर लेना और इसके बाद यहाँ आकर हाईलाइट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो हम इंटर दबाएंगे, ठीक है, अगर लाइन चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ इंटर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं? बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे बुलेट और नंबरिंग, और इसके बाद यहाँ लाकर कुछ इसके नीचे लिख दो स्कूल के बारे में जो भी लिखना है, ठीक है। देखो पॉइंट वाइज आता रहेगा अपने से, ठीक है, माय स्कूल
स्पून इज वेरी बिग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और जो भी पसंद आए वो लिख दो इसके बारे में। और अगर हाईलाइट नहीं करना है तो यहाँ से हाईलाइट हटा सकते हो। यहाँ पे आकर नो कलर कर दो, ठीक है। नो कलर हो गया, अब देखो लिखोगी ना, अब देखो नहीं आ रहा है हाईलाइट, ठीक है। अगर पूरा डिलीट करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, उसके बाद यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट हो गया, ठीक है। अब खुद से करो।